नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुंवर। एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2018 के लिए मिथुन राशि फल। मिथुन राशि के लिए किस तरह से होगा उनका माइंडसेट, किस तरह से होगा उनका विचार, किस तरह से होगा आपका स्वास्थ्य और किस तरह से होगा आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपके धन लाभ के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं दिसंबर 2018 के लिए मिथुन राशिफल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी मैं आपके चंद्र राशि के ऊपर बता रहा हूँ, तो अपने मून साइन को फॉलो कीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं आपकी ग्रहों की स्थिति। मिथुन राशि के लिए जो स्वामी है बुध, आपके षष्ठ भाव से भ्रमण कर रहा है। तो आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिनों से आप कुछ स्ट्रेस में थे, आपकी सेहत भी ठीक नहीं थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे। तो दिसंबर 7 और 8 के बाद ये प्रॉब्लम्स, ये कॉम्प्लिकेशन धीरे 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 आप देखेंगे कि सॉल्व होते हुए जा रहे हैं। और आप जहां काम करते हो इन 15 से 20 दिनों में जो बीत गए, तो उन दिनों में आपके जो सहकर्मी है साथ में, जहां पे आपके ऑफिस कलीग्स है या फिर व्यवसाय में जो बंधु है, जो लोग हैं, वहाँ पे आपको साथ नहीं मिला होगा, उनका कोऑपरेशन नहीं मिला होगा। लेकिन 7 और 8 तारीख के बाद ये जो मामले हैं वो पूरी तरीके से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो आपका रवि है वो तृतीय भाव में है, वो षष्ठ भाव से सप्तम भाव में भ्रमण करेगा 17 तारीख के बाद। तो जिस विषय पर आप काम करते हो, आपको लगा होगा थोड़े बहुत प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं उन कामों में, और आपके मन में प्रश्न आए होंगे कि किस तरह से वो काम होगा, और पिछले कुछ 10-15 दिनों से आपके मन में वही विचार उठ रहे होंगे। ऐसे देखा जाए तो नवम्बर के कम 17-18 तारीख से लेकर अभी का जो समय है वो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस में लाया होगा। लेकिन जैसे ही 17 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके सप्तम भाव में जाएगा, तो जिस विषय पर आप काम करते हो या फिर आपके माइंड में कुछ अगर प्लान्स है, तो वो प्लान्स प्रत्यक्ष रूप में किस तरह से आ सकते हैं, आप उस बारे में रूपरेखा, उस प्लान्स के बारे में आप मतलब स्कीम या फिर जो भी योजना है आप वो बना सकते हो। उसी प्रकार आपके जो घर के जो मामले थे, घर के मामलों के बारे में भी आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहे थे करीबन पिछले 15-20 दिनों से। आपके जो घर के जो मामले थे, जो छोटे हो या मतलब कुछ साधारण से कुछ प्रॉब्लम भी आपके मन में बहुत बड़ा घर बना रहे थे। अगर आप गृहिणी हो तो आपने ये फील किया होगा कि घर के जो मामले थे वो कुछ बड़े होते जा रहे थे या फिर आपके मन में कुछ चिंताएं आ रही थी। लेकिन दिसंबर 8 से 10 तारीख के बाद ये आपके जो चिंताएं हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो धीरे 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 आपको कम होते हुए नजर आएंगी। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार आपका जो शुक्र ग्रह है वो पंचम भाव में है करीबन पिछले 1.5 से 2 महीनों में, लेकिन ये वक्री था नवंबर तक। अभी ये जो शुक्र है ये मार्गी हो रहा है। आपके लिए जो ये महीना है, आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा होगा। आपको इस महीने शुक्र के कारण जो संतान सुख है, वो अगर आपका संतान है, जिन लोगों का संतान है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, वो संतान सुख उनको भरपूर मिलेगा। और संतान की तरफ से आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है, जिसके वजह से उन खबरों के वजह से आपका जो मूड है वो पूरे महीने भर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट से में इन्वेस्ट करते हो या फिर शेयर मार्केट से आप अर्निंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये पूरा महीना बहुत ही अच्छा है। आप निश्चिंत रूप से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। उसी प्रकार आपका जो सप्तमेश है वो आपके षष्ठ भाव में है, तो इसके कारण आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके बारे में आपके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह रहे होंगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए जो बाकी के जो ग्रह है वो आपके साथ है, वे जो आपके वैवाहिक जीवन में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो इतने असर करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जोड़ीदार से मिल रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा आप नज़रअंदाज कीजिएगा। उन प्रॉब्लम्स को आप मतलब दिल पे या फिर आपके जहन में उस चीज़ को पकड़ के मत बैठिएगा, उससे क्या होगा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो बाकी के ग्रह है वो आपके साथ ही है, तो आपको उन बातों को नज़रअंदाज करने में वो मदद करेंगे, तो आप भी अपने तरफ से उस चीज़ पे एफर्ट दीजिएगा। इतना ज़रूर याद रखिएगा, मैं मिथुन राशि वालों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हम जैसा चाहते हैं वो वैसा ही बिल्कुल होगा, वैसा जरूरी तो नहीं, तो हमें कई बार कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है अपने मैरिड लाइफ में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर देखा जाए ये जो पूरा महीना है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। उसी प्रकार जो आपका ये शनि है, वो शनि आपका सप्तम भाव में है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार होंगे
होंगे उनके बारे में आपके मन में थोड़े बहुत प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में मंगल है। मंगल करीबन 24 तारीख के बाद आपके दशम स्थान पे जाएगा। यह जो मंगल है यह मंगल नेपच्यून के साथ युति करेगा 5 से 9 तारीख तक। मतलब मंगल और नेपच्यून की जो युति है उसका जो प्रभाव है वो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होगा। इस युति के दौरान आपका राशि में ये प्रभाव रहेगा कि आप कुछ मेजर डिसीजंस ना ले। जैसे कि अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपके कुछ कलीग्स को आप पैसे देना चाहते हैं तो ये इन चीज़ों से बचे आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर आपको इन दिनों ध्यान देना पड़ेगा। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी हो रहा है 1 और 5 तारीख के विधि में। मतलब शुक्र जो आपके पंचम स्थान में है उसके साथ जो ये हर्षल आपके लाभ स्थान में है वो प्रतियोग करने जा रहा है। उसका परिणाम ये होगा कि अगर आप किसी के प्रेम में हो, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, तो ये जो दिन है 1, 2, 3, 4, 5 आपके जीवन में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो आप सावधानी बरतिए। कुछ ऐसी बातें ना कीजिएगा जो किसी को ठेस पहुंच सके, या फिर आपकी जो वार्तालाप है जितनी ज़रूरी है उतना ही रखिएगा। दोस्तों मैंने पहले कहा था कि आप शेयर मार्केट में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ये जो 1 से 5 तारीख तक का डेट है इस डेट में थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिएगा। और इसके बाद का जो पीरियड है इसमें आपको लाभ मिलेगा, तो उन दिनों बस आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसी प्रकार रवि और मंगल का केंद्र योग भी हो रहा है। मतलब ये जो रवि है आपके षष्ठ भाव में स्थित, उसके साथ ये जो मंगल है आपके जो भाग्य भाव में स्थित है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो उसका फल ये होगा कि जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनसे आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, या फिर आपके ऊपर उन वरिष्ठ अधिकारियों से अनवांटेड स्ट्रेस दिया जा सकता है। आप प्रेशराइज्ड फील कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जिसके चलते आपको स्ट्रेस लग सकता है इस महीने। तो ये जो पीरियड है ये पीरियड करीबन 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक होगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपको छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो सावधानी बरते। उसी प्रकार आपके राशि में शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी हो रहा है। मतलब शुक्र जो आपके पंचम भाव में है और जो नेपच्यून जो आपके भाग्य भाव में है, इन दोनों का नव पंचम योग भी हो रहा है, जिसका जो प्रभाव है दिनांक 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक रहेगा। इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम आपके राशि के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। जैसे मैंने अभी कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट के मामले में, मतलब जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, आपको कुछ इस तरह से इंट्यूशंस आ सकते हैं, जिस तरह से आपको ट्रेड करेंगे तो वो जो ट्रेड है उस ट्रेड में आप 101% पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आप अपना मन खोल के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है उनको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इस महीने। इन दिनों जो भी आप सोचोगे उसी तरह से घटनाएं हो सकती है। तो मेरे ख्याल से सभी के लिए, सभी मिथुन राशियों के लिए ये जो 20 से 24 तारीख तक की कालावधि है ये बहुत ही शुभ जाने वाला है। और जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में है उनके लिए भी ये दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है 23 से 26 तारीख तक। बुध जो आपके षष्ठ भाव में स्थित है उसके साथ ये नेपच्यून उसका केंद्र योग होने वाला है। इन दिनों आपको थोड़ा सजग रहना है, किसी भी तरह के बड़े निर्णय नहीं लेना है। आपके सामने से आपके शत्रु कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसके वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो इन दिनों कहीं पे आपको कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करना है या फिर कमिटमेंट करना है, तो इन चीजों से आप इन दिनों बचिए और थोड़ा दूर रहिए। दोस्तों मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमारे अच्छे नहीं जाते, जो अशुभ रहते हैं, तो उन दिनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वो जो अशुभ दिन है वो अशुभ दिन मिथुन राशि के लिए ये है 6 तारीख 7 तारीख 10 तारीख 11 12 20 और 21। ये जो तारीखें हैं मिथुन राशियों के लिए ये दिन अच्छा नहीं रहने वाला है। तो इन दिनों में आप कोई भी बड़े काम नहीं करना, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। उसी प्रकार मैं आपको कुछ बर्थडेट्स बताने जा रहा हूँ। जो बर्थडेट्स आपके अगर हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए ठीक नहीं जा सकता है। तो वो बर्थडेट्स है 27 मार्च से लेकर अप्रैल के 5 तारीख तक, जून 27 तारीख से लेकर जुलाई 5 तारीख तक, सितंबर 27 तारीख से लेकर अक्टूबर 5 तारीख तक, दिसंबर 27 तारीख से लेकर जनवरी 5 तारीख तक। उसी प्रकार जुलाई के 18, 19, 21
जनवरी के 18, 19, 20 और 21 ये जो तारीख है, ये जो मैंने पूरे तारीखें बताई, अगर आपका बर्थडे इन दिनों गिरता है आपके लिए ये महीना जो है दिसंबर 2018 ये अशुभ जाने वाला है या फिर अशुभ जा सकता है। तो इसके लिए आपको सावधानी ये बरतनी है कि इस महीने किसी भी तरह की बड़ी डिसीजंस ना ले आप, बड़े काम नहीं करना इस महीने, कुछ ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना जहाँ आपको बहुत नुकसान हो सकता है, किसी विवादों में भी नहीं जाना, नहीं तो आपको मान हानि भी हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने ऐसे कुछ बर्थडेट्स भी है जिनके लिए मिथुन राशि में बहुत ही शुभ जाने वाला है। जिनके बर्थडेट्स मार्च 23 तारीख से लेकर अप्रैल 3 तारीख तक है, जुलाई 23 तारीख से लेकर अगस्त के 3 तारीख तक है और नवंबर 23 तारीख से लेकर दिसंबर 3 तारीख तक है, तो ये जो बर्थडेट्स है ये सभी बर्थडेट्स के लिए दिसंबर 2018 का महीना है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही अच्छे फल देंगे। जो भी उनके रुके हुए काम थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। नई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जो कि पॉजिटिव होगी। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो शादी के प्रस्ताव आएंगे। जो भी व्यक्ति काम के बारे में सोच रहे थे उनको काम मिल जाएगा या फिर वो काम निपट जाएगा। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि के लिए दिसंबर 2018 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, धन्यवाद।